वृंदावन के तेज तर्रार इंस्पेक्टर रहे सुबोध कुमार सिंह की एक बवाल के दौरान पत्थर लगने से मौत हो गई। प्रदेश सरकार के गोकशी के खिलाफ सख्ती के बाद भी गो तस्कर सक्रिय हैं। बुलंदशहर में भी आज गोकशी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना चरम पर आ गया कि इन लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद पुलिस चौकी को फूंकने के साथ साथ पुलिस पर भी हमला किया गया। इसमें सियाना थाना के प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की पत्थर लगने पर मौत हो गई, जबकि एक उप निरीक्षक के साथ आधा दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हैं। पथराव में गंभीर रूप से घायल युवक सुमित ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलने पर मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार और आईजी राम कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। हम आपको बता दें कि बुलंदशहर में सियाना कोतवाली क्षेत्र के महाव गांव में गन्ने के खेत में बड़े पैमाने पर गौकशी के अवशेष मिलने पर ग्रामीणों के साथ साथ हिंदू संगठनों का आक्रोश फूट गया। यहां घटनास्थल पर पहुंची गुस्साई भीड़ ने अवशेषों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा और उसके बाद सियाना बुलंदशहर हाईवे स्थित चिंगरावटी पुलिस चौकी के निकट हाईवे पर जाम लगा दिया। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया तो आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ ने पुलिस चौकी में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और चौकी का सामान बाहर निकालकर उसे आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने इसके बाद हवाई फायरिंग की, जिससे आक्रोशित भीड़ ने सियाना कोतवाल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पर हमला बोल दिया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। उधर लाठीचार्ज से गुस्साई भीड़ ने चौकी के बाहर खड़े दर्जनों वाहनों में आग लगा दी। पथराव में एक युवक जिसका नाम सुमित पुत्र अमरजीत निवासी चिंगरावटी बताया जा रहा है, वो घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसने दम तोड़ दिया। इस बवाल में मारे गए इंस्पेक्टर सियाना सुबोध कुमार सिंह इस्तेमा से लौट रहे लोगों को रोकने लगे। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस्तेमा में शामिल होकर लौट रहे लोगों के वाहन को रास्ते में रोक दिया, ताकि सांप्रदायिक बवाल ना हो सके। वहां भीड़ का रौद्र रूप देखकर मौके पर सिर्फ आधा दर्जन पुलिसकर्मी ही मौजूद थे। ये लोग भी बाहर से फोर्स आने का इंतजार कर रहे थे और गुस्साई भीड़ गन्ने के खेतों में छुपी हुई थी। इससे पूर्व वृंदावन कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह देखने में भले ही सख्त थे, लेकिन वे भी सामाजिक कार्य करने से पीछे नहीं रहते थे। हम आपको बता दें कि मथुरा के वृंदावन कोतवाली में तैनाती के दौरान उनके द्वारा समय समय पर किए जाने वाले सामाजिक कार्य लोगों की चर्चा का विषय बनते थे। वो चाहे रोजा इफ्तार की पार्टी हो या ईद की पार्टी या ब्रज 84 कोस की परिक्रमा हो, सुबोध कुमार सिंह कभी भी परिक्रमार्थी और समाज के लोगों के साथ हिल मिलकर रहने में अपना विश्वास रखते थे। हम आपको बता दें कि उनके विचार सर्वधर्म संभाव के थे, जहां कभी भी मौका लगने पर किसी भी धर्म के सामाजिक कार्यों में शामिल होने से जरा भी गुरेज नहीं करते थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मथुरा वृंदावन के लोगों के साथ साथ पुलिस विभाग और पत्रकारों में भी खासी शोक की लहर दौड़ी हुई है। मंच न्यूज की ओर से हम ऐसे जाबाज और निष्ठावान अफसर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं।